सुअर लाना किसे बनाता है। और गाइस अब लुका दोस्त में कोई सुअर है होने से तो उसको टैग भी कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो ये वीडियो। आज का कैमरामैन या तो शेयर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम भी हो गया थोड़ी दिन हो गया, हम भी ब्लॉग नहीं डालने वाला, अपलोड नहीं करने वाला, तो हम भी सोचा है आज मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। तो फिलहाल हम अभी तो सोनजिला में हैं, तो आप लोग को दिखाएगा आज का मेरा वीडियो, तो आप लोग मेरा वीडियो में बनते रहो। तो गाइस इधर मैं थोड़ा लॉलाइट देगा, इसके लिए क्वालिटी थोड़ा अलग है, खराब हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोग को सॉरी। तो हम अभी ये बैगन काट रहे हैं, इसको खार बनाएगा और आज सुबह का खाना के लिए, तो इसके बाद आलू फ्राई करेगा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहो। और ये इसके लिए कुछ मत समझना, कल मैं सब्जी फ्राई करने का टाइम में, और कल नहीं परसों को मच्छी फ्राई करने का टाइम में तेल, गरम तेल आके लग गया था इधर। अभी सब्जी बैठा दिया, तो इसको पानी गरम होना का पानी गरम होने के लिए छोड़ेगा इसको, और जो जो चाहिए इधर रेडी कर लिया। ये है सूखना मच्छी हिडोल, ये है खार, और ये मुरीस या नमक सिर्फ इतना ही चाहिए, जो जो चाहिए रेडी कर लिया। और ये पानी गर्म होने दो, इसके बाद इस सब चीज़ को डालेगा, और इसके बाद में और एक टू आइटम आलू फ्राई कर देगा। अभी पानी गर्म हो चुका है, अभी इधर में थोड़ा मुरीस ऐड कर देगा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ये चीज़ बाद में, अभी नहीं, अभी सिर्फ चिली। ये खार, अभी इधर नमक मरीच खार सार सब ऐड कर दिया, और अभी ढक देता हूँ 20 मिनट 25 मिनट के लिए, अभी इसे रहने दो। अब्बा तो गाइस तो सब्जी तो पक गया है, तो अभी स्वर का दाना लेने के लिए जाएगा, स्वर का दाना खत्म हो गया। चलो वो बगीचा फूल का, मेरा बहन लोग का फूल का बगीचा। और बहन स्वर का दाना काट के थोड़ा बना देगा, क्योंकि स्वर का दाना खत्म हो गया। चलो तब तो स्वर का दाना जामे उधर जाके मिलेगा। ये देखो यही है स्वर का दाना, तो इधर में बहुत सारा है, तो इधर से काट के इधर डालेगा। एक बार बनाने के लिए तो हो गया, तो एक बार बनाने से हो जाएगा, चार बार पांच बार देने के लिए तो हो जाएगा एक बार बनाने से, तो इसके लिए चार बार पांच बार देने के लिए तो बस काफ़ी है। और दूसरा चीज़ भी ऐड करेगा ना, हो जाएगा। बहुत गर्मी लग रहा है अभी, अभी ये बना लेता हूँ स्वर दाना। और आज का कैमरामैन मेरा बहन ये। तो गाइस कैसे स्वर दाना बनाए जाते हैं आप लोग को दिखाएगा, आप लोग देखते रहो। आप लोग को तो सब तो मालूम ही नहीं होगा स्वर दाना कैसे बनाता है। और गाइस आप लोग का दोस्त में कोई सुअर है होने से तो उसको टैग भी कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो ये वीडियो, उसका लिए खाना बन रहा है। तो गाइस देखो ये सबसे तकलीफ है, ये आगुन फट करके नहीं लगता, इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ लगता है आगुन जलाने के टाइम में। देखो चावल भी डालना पड़ता है, और चावल घर में इसे इसका चार बार या पांच बार इतना बार डालने से हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं और कमती भी नहीं, मीडियम में।
ये देखो गाइस, ये कौन है, ये डीडी जाजिलो का छोटा मोटा सा बागान। सुअर का दाना तो, और देखो हाथ का हालत काला हो गया, और राइट साइड प्रॉब्लम भी है तो। और वीडियो उठाते उठाते मेरा फ़ोन का बैटरी भी कम थी, और ऊपर से कारेंट नहीं है सोनटीला में, तो किससे होगा, जल्दी आ जाने से बहुत ही अच्छा बात था। इसके लिए दाना बना रहा था। मेरा व्लॉग में सिर्फ मेरा फैमिली से हमको और मेरा बहन सबसे छोटा लोग को देखने मिलेगा, क्योंकि हम लोग फैमिली में आदमी कम थे, और मम्मी पापा तो नहीं है, एक्सपायर हो गया उन लोग, तो दीदी हॉस्पिटल में एडमिट होके, तो इसके लिए हम भी हफलोंग से सोनटी लाने लगा घर में काम शाम देखने के लिए, तो इसके लिए हम भी हफलोंग से आया वापस, इसलिए तो हम लोग डिजन को देखने मिलेगा इधर घर में। और एक तो थोड़ा बड़ा वाला बहन तो मतलब सबसे छोटा वाला से मिडिल वाला बहन, वो हो गया हफलोंग में, उधर में कजिन उनका घर में बैठ के उधर में पढ़ाई कर रहा है उधर से, तो इसके लिए हम सोनटीला आना पड़ा और थोड़ा घर में देखभाल करना पड़ा। और देखो गाइस, ये आगे वो दूसरा व्लॉग में भी देखा था, ये बैगुन का बागान है, लेकिन बैगुन अच्छा नहीं हुआ है। ये देखो एक टू गच्छ निकला, और हाँ इधर दो टू तीन टू है सिर्फ। ओह इधर है पाँच टू टोटल, पूरा इधर में पूरा ये जगह में सिर्फ पाँच टू ही गच्छ हुआ। और क्या हुआ गाइस, थोड़ा काला काला हो रहा है, क्या बारिश देगा नहीं क्या? बारिश दिन तो ठीक नहीं होगा, तो हफलोंग भी जाना है, बारिश दिन से किसी जाएगा। गाइस देखो बहुत हवा मार रहा है, बारिश देगा नहीं क्या, बहुत जोर से हवा दे रहा है। हम वक्त तो ख़त्म हो गया, मतलब घर का काम तो अभी हम भी फोन चार्ज कर लेगा, अभी भी करना है तो नहा के खाना खा लेगा हम, तो फिर मिलते हैं आप लोग को। One hour later. तो गाइस भात तो खाई लो, और तार पसत अपना लोगते लोग पाम। तो गाइस हम भी खाना वाना खा के हो गया, तो अभी थोड़ा गेट में टहलने के लिए जाएगा, तो अभी टाइम समथिंग 11 या 12 इतना हो गया होगा, तो थोड़ा टहलने के लिए जाएगा गेट में, थोड़ा सुबह से निकले नहीं तो थोड़ा निकल के घूमने का आदत लग गया है, तो हमको थोड़ा ऐसे घर से थोड़ा थोड़ा तो निकलने लगेगा, तो लड़का लोग है ना थोड़ा आदत होता है घूमने का, घर में ज़्यादा बैठने नहीं सकता। तो ये है छोटा सा फील्ड सोनटीला का, लेकिन पुलिस कैंप का अंदर है वो, और ये है गेट सोनटीला का, मतलब दुकान हम लोग इसको गेट बोलते हैं, तो आदत हो गया गेट गेट बोलने के लिए, लेकिन असल तो ये सोनटीला का दुकान है, और कोई कोई तो बोलता है ये सोनटीला मार्केट है बोला, ये मार्केट नहीं है, सिर्फ ये दुकान है इधर, ऐसे शनिवार बाजार से क्या बाजार कुछ नहीं होता, सोनटीला दुकान बोलो इसको, सोनटीला मार्केट नहीं। Moments later. ये देखो घर में ये बस्ती का रास्ता के लिए काम घर में शुरू करते हैं, ये कॉन्ट्रेक्टर बाबू लुकुन जन, और घर ये रास्ता को बनाएगा, ये बारिश करने का दिन में पूरा सब चला गया था। ये रास्ता बहुत ही डाउन है, बहुत खतरा रास्ता है ये, पहले में तो इधर गाड़ी घुसने नहीं सकता था, तो अभी माटी उठी ढाल के फिलअप करा बोल के अभी गाड़ी तो जाने सकते है, नीचे तरफ तो और भी ज़्यादा खतरा है। ये देखो पहला में ये रास्ता पूरा टूट गया था, अभी पत्थर तो डाल के चिल्ला करते वो गाड़ी आ जाएगा, इसका बाद में ये नीचे तरफ में बहुत ही खतरा है ना रास्ता, तो इस तरफ का बना के नीचे तरफ से
आस्ते आस्ते बना बना के ऊपर तरफ में उठेगा आस्ते आस्ते कर बना के। अरे गाड़ी आते सबसे ये टू ब्रिज को बनाएगा इधर में इस तरह, ये ब्रिज को बना लेगा, ये ब्रिज कम्प्लीट होने के बाद में तो इस तरफ में जाने से आएगा। तो अभी इसको पहला बना लेगा। अभी तो इधर साइज पत्थर देखे थोड़ा डलाई कर दिया, पानी आने का टाइम में ऊपर तरफ से पानी आया था तो इधर में पूरा साफा करके चला गया नीचे तरफ में, तो इसको कंप्लीट कर लेगा। तो इसको कंप्लीट करने के बाद में रास्ता आ जाएगा। गोरा परफेक्ट सो जगह ना अभी मिस्त्री मशी मिस्त्री या तो से सेम देखो गाइस इधर काम करते करते मिस्त्री भी लिखा मिस्त्री खा देगा अभी। 2000 years later रसन गाइस रसन। तो गाइस हम फिर से निकल गया, अभी हम थोड़ा बाजार तरफ जाना है, मतलब हॉस्पिटल जाना है। उधर हॉस्पिटल में जाके दीदी को देख के आना है, मतलब कैसे हुआ बीमार, तो थोड़ा अच्छा हुआ कि नहीं, आराम मिला कि नहीं, तो उसको देख के आना है। और आप लोग भी कमेंट करके बोलो मेरा वीडियो कैसे लगा, और अच्छा लगा तब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हम तो अभी निकलेगा बाजार तरफ के लिए, बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाय बाय।